नमस्कार, स्वागत है सिमरेगा समाचार में। हम आपको बताएं, इस नव वर्ष में आपके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ही खुशियां आए और आपको सारी खुशियां आपके कदमों में हो। सिमरेगा समाचार शुरू करने से पहले आइए चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें खबर। सिमडेगा जिला में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में किसान अपनी फसल की बचाव के लिए राख का छिड़काव कर रहे हैं ताकि फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। वहीं जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन स्थल केलाघाट डैम, जहां आज नव वर्ष पर हजारों की संख्या में सैलानी पिकनिक का आनंद उठाएंगे, इसके अलावा घूमने के लिए आएंगे लोग। नव वर्ष को देखते हुए पैसे की किल्लत में सिमडेगा के सभी ATM परिसर पर लंबी लंबी लाइन देखी गई। कुरडेग में कांग्रेस प्रखंड कमेटी के द्वारा नवनिर्वाचित विधायक भूषण बाड़ा के जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें इस विजय जुलूस में कुरडेग से लेकर जिला स्तरीय कांग्रेसी पदाधिकारी भाग लिए। जिला उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने पूरे जिले वासियों को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कहा है, यह नूतन वर्ष आप सभी जिले वासियों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए और आप खुश रहें। वहीं बानो में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के खुशी में विजय जुलूस का आयोजन किया, जिसमें ढोल नगाड़े की ताल पर काफ़ी संख्या में लोग थिरकते हुए नजर आए। सिमडेगा एवं गुमला जिला के बॉर्डर सोलगा के समीप डंफर और मंत्री बस में भीषण टक्कर के बाद ठेठेटांगर अंचल के राजस्व कर्मचारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके अलावा चालक लालजी की इलाज के क्रम में हुई मौत। सिमडेगा जिला सदर प्रखंड के कुलुकेरा में परम पूज्य रामरेखा बाबा की पुण्य स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस मौके पर रामरेखा बाबा, नगर उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, भाजपा के प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे, जिसमें स्पोर्टिंग क्लब सिमडेगा विजय हुआ और उन्हें पुरस्कृत किया गया। भारतीय जनता पार्टी हुरदा मंडल के तत्वाधान में तोरपा के नवनिर्वाचित विधायक कोचे मुंडा की विजय यात्रा निकाली गई। इसमें काफ़ी संख्या में समर्थक भाग लिए, सभी ने आभार जताया। वहीं बानो के हाट बाजार के समीप स्विफ्ट गाड़ी जो अनियंत्रित होकर पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक को गंभीर चोट आई है। वहीं आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए ले जाया गया एवं मौके पर थाना की टीम पहुंचकर जांच में जुटी। सिमडेगा जिला के पर्यटन स्थल बोलबा दनगद्दी में आज पर्यटकों की उमड़ेगी भीड़। चट्टानों से कलकल करती जलधारा में लोग पिकनिक का उठाएंगे आनंद। आप भी समय है तो आए बोलबा और आनंद ले इस पर्यटन स्थल का। जोराम ठेठेटांगर के राजा डेरा में जहां झरने बह रही है, इसी के बीच में आज दर्जनों की संख्या में उमड़ेंगे पिकनिक वाले। आप सभी से अनुरोध, आप भी जाएं इस स्थल पर। वहीं तीर्थ स्थल पवित्र स्थल रामरेखा धाम में भी आज दूर दूर से छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल सहित दूर दूर से लोग पिकनिक का आनंद उठाने के लिए रामरेखा धाम आएंगे, जहां पर इसके अलावा दर्शनीय स्थल भगवान राम, लक्ष्मण और सीता से संबंधित रामायण काल के सभी प्रकार के विग्रहों का करेंगे दर्शन। वहीं बात करें दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सिलेबस में झारखंड टीम से सिमडेगा जिला के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसे मनोज कोनबेगी सहित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सदस्यों ने किया दिल्ली रवाना। ठंड को देखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी कुरडेग श्री मृत्युंजय कुमार ने असहाय वृद्धों के बीच में स्वयं घूम घूम कर कंबल दिया। उन्होंने कहा है कि किसी को भी जरूरत पड़े प्रखंड प्रशासन को त्वरित सूचित करें, आपको कंबल मुहैया कराई जाएगी। धन्यवाद।